रेस्ड बेड के अलावा नर्सरी तैयार करने का एक और तरीका है, जो वेजिटेबल के लिए पौध हम तैयार करते हैं उसको हम रेस्ड बेड यानी खुले कंडीशंस में ना करके बंद कमरों में भी तैयार कर सकते हैं प्रोट्रेस की सहायता से। तो जो आप अभी नीचे देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं प्रोट्रेस। बेसिकली ये प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं जिसमें 50 से 60 70 अलग अलग नंबरों के वेल्स बने होते हैं जिसको बोलते हैं खांचे। तो अब इसमें क्या होता है कि हमें जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स आती हैं फील्ड पे, यानी कि बीमारियों की या कीड़ों की या फिर पौधों का आपस में कॉम्पिटिशन स्पेस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, तो प्रोट्रेज में हमारी वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक पौधे के लिए, एक एक बीज के लिए अलग से खांचा है। सो जब हम इन ट्रेस को भरते हैं तो कंपोस्ट और वर्मीकोलाइट या वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर को कोकोपीट के साथ मिक्स करते हैं। प्रेफरेबल होता है कि वर्मीकोलाइट या परलाइट भी हम इसमें मिक्स करें, पर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम सिर्फ कंपोस्ट और कोकोपीट को मिक्स करके 50-50 रेशियो में वी कैन फिल दीज प्रो ट्रेस। अब इन ट्रेस को फिल करने के बाद हम इसमें एक बीज को एक खांचे में डालते हैं जिसको हम एक वेल बोलते हैं, एंड देन बीज को सोइंग करने के बाद हम इसी मिक्सचर से इसको वापस ढक देते हैं और बहुत हल्का सा फवारे की सहायता से पानी डाल दिया जाता है। प्रोट्रेज में नर्सरी रेज करने के बहुत एडवांटेजेस हैं खुले कंडीशंस में नर्सरी रेज करने के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसमें जगह कम लगती है, प्लस इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है। इनका वजन हल्का होने की वजह से इन्हें कमरों से खेत तक उठा के आसानी से लाया जा सकता है या बाजार में बेचने के लिए भी आसानी से ले जाया जा सकता है। प्लस ये ट्रेस जो होती हैं ये रीयूजेबल होती हैं, एक बार यूज़ करने के बाद इसे अगले सीजन में धो के दोबारा से भी यूज़ किया जा सकता है और पौधों में आपसी कंपटीशन नहीं होता। तो इसलिए हर एक पौधा, हर नर्सरी का एक एक पौधा, जो एक एक सीडलिंग तैयार होगी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म और हेल्दी होती है और डिजीज़ फ्री होती है। तो उसकी मॉर्टेलिटी, जिसको कहते हैं जर्मिनेशन के बाद पौधे का मर जाना, वो समस्या इसमें नहीं आती जो कि खुले फील्ड में नर्सरी रेस करने के वक्त हमें आती है।